तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो है सिद्धू मूसेवाले की तरफ से। तो उनका न्यू ट्रैक का रिलीज़ हो चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते अगली न्यूज़ की तरफ। तो बंटा रिकॉर्ड्स के जो आर्टिस्ट है मी मैक्स, तो उनका न्यू ट्रैक का पोस्टर रिलीज़ हो चुका है। तो चलते अगली न्यूज़ की तरफ। तो सोल M19 अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने कुछ विजय डीके के बारे में बोला है। तो आप लोग एक छोटी सी क्लिप देख सकते हो। क्या पूरा सबूत के साथ लेके आता हूँ क्या? अरे फैक्स बोल, फैक्स फैक्स फैक्स, अरे फैक्स इतना डाल के भी तुम लोग यकीन नहीं हो रहा ना। मैं दिखाता हूँ अभी फैक्स क्या सीन है। जल्दी जल्दी अभी डाल रहा हूँ, सपोर्ट करो पब्लिक। नहीं क्या रियल को ये करो, फेक को मत ये करो यार। देखा क्या क्या सीन खेले, सब दिखाता हूँ उसका मैं अभी। बुद्ध बोल रहा है ना हराम से खा लेना है, कभी दिखाता हूँ ना अभी क्या क्या उसने हराम का किधर किधर हाथ डाला। चलो मिलते सबूत के साथ। तो सोल M19 ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई हुई थी, जिसमें आप लोग देख सकते हो विजय डीके की कोई चैट्स लगाई हुई है और लिखा हुआ था हरम का खाता नहीं कभी बोलते पब्लिक, लेकिन इधर सूम में लड़की से पैसे ले रहा। और एक और स्टोरी डाली थी जिसमें आप लोग देख सकते हो, जिसमें लिखा था कितना पैसा खाया, बहाना देखो पैसे के लिए, जरा सच बोल। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलते अगली न्यूज़ की तरफ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा जो ऋषि रॉय है, उन्होंने कुछ MC Stan को ट्रोल किया हुआ था। तो इस पे मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो इसी पे जो ऋषि रॉय है वो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें लिखा था या आई कॉल द शॉट, आई मेक माई ओन म्यूजिक बीट, आई कंपोज माई ओन मेलोडीज, आई राइट माई ओन लिरिक्स, आई मिक्स मास्टर ऑन माई ओन, एवरीथिंग आर्टिस्ट वॉन्ट फेम हाइप, आई हैव बॉल टू से इट्स ऑन फेस। और ये DM में जो उछल रहे ये उनके लिए। तो इसी पे MC Insane भी एक स्टोरी लगाते हैं, जिसमें कुछ ऋषि रॉय के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था ऋषि रॉय वाई चैलेंजिंग सम विथ समथिंग, ही डोंट डू चैलेंज विथ माय एनीथिंग। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जो हरजस है उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगा हुई थी, जिसमें लिखा था आई लव आर्ट इतना ज़्यादा कि अगर कोई भी आर्टिस्ट अकड़ दिखाएगा तो उसे औकात में लाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये किसको बोल रहे हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।